Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Ari. So guys, today we will start our chapter number 20 of your class 4th, जिसका name है Eating Together. तो ये उसका part 1 है, जिसमें इसके first 2 pages, page number 166 and 167 cover up करेंगे. So जल्दी से start करते हैं, open your books with page number 166 and also make sure to subscribe to the channel. तो देखो, आपके chapter का name है Eating Together. तो इसमें हम काफी सारी ऐसे stories पढ़ेंगे जहाँ पे हम खाना मिलकर खाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं. सो फर्स्ट जो स्टोरी है आपके फर्स्ट पेज पे, वो है क्लास पार्टी. क्लास पार्टी मतलब एक क्लास में आपका जो क्लासरूम है उसमें पार्टी. द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशन. द चिल्ड्रन शेयर न्यूज अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज. तो छुट्टियों के बाद आज स्कूल ओपन हुआ है और बच्चे एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने छुट्टियों में क्या किया. When did you put मेहंदी on your palm? Meena asked आरती. तो मीना ने आरती से पूछा कि तुमने अपने palm पे, अपने हाथ पे मेहंदी कब लगाई. देखो ये होती है मेहंदी, आई होप कि सबने देखी होगी पहले भी, है ना. At my uncle's wedding, आरती said. तो आरती कहती मेरे अंकल की शादी थी, मैंने वहाँ पे मेहंदी लगाई. अब डेविड उससे पूछता है, यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग डेविड सेड. तो डेविड कहता आरती तुम शादी पे गई थी अपने अंकल की, तो तुम्हें तो वहाँ पे बहुत मजा आया होगा. ओ यस आई एंजॉयड द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट. तो आरती कहती हाँ मुझे वहाँ बहुत मजा आया. एट द वेडिंग वी हैड फन विद माई ऑल कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. तो वो कहती उस शादी में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, हम सब ने मिल के सारे काम किए और खाना खाया. आरती सेड व्हाई डोंट वी हैव समथिंग लाइक दिस इन अवर स्कूल, लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर रिहाना आस्क. तो उन्होंने क्या कहा, कहते क्यों ना हम ऐसी एक पार्टी जिसमें सारा फन और सारे खाना पीना हम एक साथ करें जैसे हमने मैरिज में किया. तो रिहाना कहती हाँ हम अपनी क्लास की एक पार्टी कर सकते हैं. आई हैव एन आइडिया डेविड सेड, व्हाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी, देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड फन टुगेदर. तो डेविड बोलता है कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम एक साथ खाएं और एक साथ मज़े करें, इंजॉय करें, हम अपनी क्लास की ही एक पार्टी रखते हैं. We have parties in our colony where whenever there is a festival, we collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market. Rihanna said. तो रिहाना ने बताया कि हाँ हमारी कॉलोनी में भी जब कोई भी फेस्टिवल होता है, लाइक लोहड़ी, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल होता है, हम सारी कॉलोनी में से पैसे इकट्ठे करके अलग अलग डिशेज बनाते हैं, फिर एक साथ इंजॉय करते हैं. तो देखो नेक्स्ट वो क्या डिसाइड करते हैं अपनी पार्टी के बारे में. रीना सेड व्हाई वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी, सैटरडे इज अ हाफ डे, व्हाई डोंट वी प्लान टू हैव अ पार्टी देन. तो रीना कहती कि ज़रूरी नहीं है कि कोई फेस्टिवल आएगा तभी हम पार्टी करें, सैटरडे को हमारा हाफ डे है. हाफ डे मतलब आधी छुट्टी, जिसको आप बोलते हो जैसे आपका जो स्कूल है वो 12 o'clock तक लगता है, ठीक है. तो रीना कहती क्यों ना हम उस दिन हमारे स्कूल में ही हमारी क्लास की पार्टी करें. सो सब मान गए. उसके बाद क्या होता है, एवरी वन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन क्या लेके आएगा, कौन सा खाने पीने का सामान लेके आएगा. ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली इंजॉयड देयर पार्टी. तो सैटरडे को वो पार्टी करते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं. देयर वर सो मैनी वराइटी इन फूड, दे प्लेड सो मैनी गेम्स, एवरीबॉडी वाज सो रिलैक्स्ड. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. तो उन्होंने बहुत मज़े किए, उन्होंने बहुत सारी गेम्स खेली, सिंगिंग की, डांसिंग की और बहुत वैरायटी का खाना खाया. तो उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट सैटरडे जब हमारा हाफ डे होगा हम ये पार्टी फिर करेंगे. तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें ईटिंग टुगेदर की एक बताया हुआ था कि कैसे हमें खुशी मिलती है, कैसे हमें दूसरों के साथ फन करना चाहिए, अपना जो खाना है वो शेयर करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए. सो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताने हैं. फर्स्ट वन इज़, डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स. क्या आपको भी दूसरों के साथ खाना अच्छा लगता है? येस आई डू लाइक टू ईट विद अदर्स. सेकेंड वन इज़, ऑन वट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन से ओकेजन पर साथ में खाते हो? We eat together while celebrating festivals and functions. During lunch break in school, we also eat together. तो आप जब भी खाते हो आप अपने perspective से लिख सकते हो. Lunch break में तो देखो सभी अपने friends के साथ खाना खाते हैं ना. So third one is, have you ever had a party in your class? क्या आपने भी आरती और डेविड के जैसे party की class में? When? कब की? किस occasion पे की? What all did you to arrange a party? आपने क्या क्या काम किया उस party को arrange करने के लिए? So yes, we had several parties in our
क्लास द पार्टी वॉज ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस डे. तो वो पार्टी किस पे रखी गई, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन. वी अरेंज द कुक टू प्रिपेयर फूड, हमने एक कुक अरेंज किया जो खाना बनाएगा. स्पार्कल लाइट्स, इन्विटेशन कार्ड्स, व्हीकल्स फॉर पिकिंग एंड ड्रॉपिंग द गेस्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी. आपने क्या क्या लिया, कि आपके फ्रेंड्स क्या क्या लेके आए उस पार्टी में. सो वी ब्रॉट बैलून्स, फ्लैग्स, स्पार्कल पाउडर एक्सेट्रा. तो आप जो भी लेके आओगे अपनी पार्टी में, आप उस प्रोस्पेक्टिव से लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज व्हाट ऑल डिड यू, तो आप क्या क्या खाना खाया आपने उसमें, क्या क्या उसमें आइटम थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एट स्नैक्स एंड देन वी हैड लंच. और स्नैक्स में क्या 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 खाया, वी एट केक एंड पेस्ट्री. और लंच में पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी एंड स्वीट्स. देखो कितना मजा आता है ना पार्टी में, इतना इतनी वैरायटी का खाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द पीपल यू इनवाइटेड फॉर योर पार्टी. आपने किस किस को अपनी पार्टी में इनवाइट किया. ऑल द पेरेंट्स, सारे बच्चों के पेरेंट्स एंड फैमिलीज ऑफ द टीचर, जो सारे टीचर्स की फैमिलीज. सेवेंथ वन इज वर देयर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल होम यू कुड नॉट इन्वाइट, हु वर दिस पीपल. तो क्या ऐसे कोई लोग हैं, जैसे कोई पीएन वगैरह जो आपके स्कूल में काम करते हैं, आपने उनको अपनी पार्टी में इन्वाइट नहीं किया. सो नो, ऑल द पीपल हु वर्क इन माई स्कूल वर इन्वाइटेड. तो नहीं, हमने सबको ही इन्वाइट किया है. लास्ट क्वेश्चन इज डिड यू वियर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर पार्टी. तो क्या आपने कोई ड्रेस भी रखी थी. येस वी ऑल वोर पार्टी ड्रेसेज, मतलब आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए उस दिन. ठीक है, सो दिस वॉज योर पेज नंबर 167. वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्टी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. दो पेजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, 168 एंड पेज नंबर 169. आज की क्लास में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.